हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से जो भी बच्चे, चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, अगर आप 02 2024 बैच की ना 2024 बैच की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप वेट कर रहे हो न्यू वैकेंसी की, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कम से कम 4 से 5 महीने लगते ही लगते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से कुछ भी नहीं आता कंपिटेटिव एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। और स्पेशली उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा जो कि वाई ग्रुप, जिसको हम अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं, वो रीज़न है बिकॉज एक्स ग्रुप में वो बच्चे भरते हैं जिसको हम लोग साइंस स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में 12th क्लास करके आ रहे होंगे। तो उनकी साइंस स्ट्रीम में जो होती है 12th क्लास में जो फिजिक्स मैथ पढ़े पढ़े होते हैं ना, वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनका वो सब तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहता है। तो उनको सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना रहता है। इंग्लिश थोड़ी सी लेवल अलग होती है, जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं वो तो नहीं होती है ना, थोड़ा सा हटके पढ़ना होता है। तो वो इंग्लिश करते हैं, बाकी वही सब चीज़ पढ़ा पढ़ाया चीज़ रिविजन करके क्रैक कर लेते हैं। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती उसकी, ठीक है। लेकिन अगर वाई ग्रुप के बारे में बात कर ले तो भाई ये जो चीज़ है बिल्कुल भी अलग हो जाता है। चाहे आप 10th में, 12th में, 12th में अगर आप आर्ट से हो तो भी फिल कर सकते हो, कॉमर्स से हो तो भी फिल कर सकते हो, या फिर आपका कुछ भी बैकग्राउंड है 12th क्लास में तो आप वाई ग्रुप से फिल कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी जो है इंग्लिश होनी चाहिए और 50% मार्क इंग्लिश में भी होना चाहिए और ओवरऑल 12th में 50% होना चाहिए, तो आप वाई ग्रुप जिसको हम अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं आप इसको फिल कर पाओ, ठीक है। और इसमें टाइम लगता है भाई, क्योंकि इसमें आपको पूरा मैथ पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। कहोगे वाई ग्रुप में मैथ आता है, अरे हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे हैं ना कि जो एग्जाम से पहले उनको पता नहीं होता है कि रागा के सेक्शन में मैथ भी आता है। एग्जाम से पहले पूछते हैं, सर बात बताओ रागा में कितने रीजनिंग आएंगे, क्या 30 के 30 रीजनिंग आएंगे या फिर 5 6 GK आएंगे, बाकी सब रीजनिंग आएंगे। मैं इस बार मैं देख रहा था बहुत सारे अटपटे बच्चे मिल गए थे, मैंने कहा कहाँ सोए थे, एग्जाम के एक दिन बाद पूछ लिए होते तो ज़्यादा बेटर रहता, कुछ चीज़ें तुम भी एग्जाम में देख लेते। तो जो चीज़ें मैं बताऊँ आपको, जो रागा के सेक्शन में 30 सवाल आते हैं जिसमें से 5 से 6 GK होते हैं, 6 से 7 कह लो, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब 15 में से ना 6 से 7 मैथ, 6 से 7 GK, बाकी के 15 सवाल जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। मतलब 30 में 2 पार्ट में बांट दो, 15 15, तो 1 15 पूरा रीजनिंग ले जाएगा, बाकी के 15 में मैथ एंड जीके होता है, तो मैथ भी होता है, मैथ पूरे सिलेबस में भी दे रखा गया। तो वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करने में टाइम लगती है, और इंग्लिश तो उनको पढ़ना ही पढ़ना होता है, इंग्लिश तो सबको पढ़ना होता है। और इंग्लिश मैं एक बार ना पेड बैचेस के बारे में बता दूँ, अगर जो वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहता है अभी से, अगर आप 15 दिसंबर से पहले हमारी बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो उसकी प्राइस 450 रुपीज़ होंगी, पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगा ये बैच। इसमें हम लोग कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे आपको, हमारी जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आती है वो भी हम इसके अंदर देंगे, और हमारी जो पेड PDFs आती है टॉप 500 सीरीज की, लास्ट टाइम जो आती है ना, वो सब हम देंगे इसके अंदर, ठीक है। और 15 तारीख से इसमें क्लासेस अपलोड होंगे, जो 15 तारीख से पहले ज्वाइन कर लेगा उसके लिए प्राइस है 450 रुपीज़, और 15 तारीख के बाद इसकी प्राइस 600 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दे रहा हूँ, वहाँ से डिस्क्रिप्शन ओपन करो, ऐप के लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉग इन करके ये जो बैच आपको दिख रहा होगा उसको ओपन करना, पे नाउ के जगह पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 12 13 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं टैक्सेस के तौर पर, तो वो करके आप पे कर लो, तो 463 रुपये के आसपास लगेंगे फिलहाल। अगर आप 15 दिसंबर के बाद ज्वाइन करोगे तो 616 रुपये आपको लगेंगे उसमें, ठीक है। अगर ऐप यूज़ करने ना आए, पेमेंट करने ना आए, तो व्हाट्सअप करके हमारी टीम से पूछ सकते हो 7279047787 पे कि किस तरीके से बैच को ज्वाइन करना है, क्लासेस किस तरीके से देखनी है, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो देर मत करो, हमने ऑलरेडी बहुत सारे सिलेक्शन दे रखे हैं, आप यूट्यूब पर इंटरव्यू भी दे सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर आप ऑलरेडी रिजल्ट देख सकते हो, कितने सारे रिजल्ट हर साल देते हैं हम, हर बैचेस में देते हैं। और बाकी एक बार ट्रस्ट करो, और इंग्लिश, और इसमें इंग्लिश और रागा, रागा के अंदर जीके मैथ रीजनिंग सब मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल बढ़िया से। और इंग्लिश पता है इस बार ना कितना, यूट्यूब पे मैंने जो करा दिया था एग्जाम में डिक्टो आ रहे थे, तो पेड बैचेस की तो बात ही अलग है, उसमें अलग लेवल की हो रही होती है कहीं ना कहीं। अब सिलेबस के ऊपर चल रहे थे, ठीक है, हम लोग भी बात करेंगे कि मैंने बता दिया ना 5 महीने 4 महीने मिनिमम, आप 4 महीने तो मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, इससे कम का कोई चांस नहीं है। आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है जनवरी तक आ जाता है वैकेंसी, जनवरी में फॉर्म फिलअप होता है, मार्च में एग्जाम होता है, तो 3 महीने में कर लेंगे। भाई फॉर्म फिलअप करते टाइम आप इतना परेशान हो जाओगे कुछ कुछ चीज़ों को लेके, मैं देख रहा हूँ जब से फॉर्म फिलअप होता है तब से बच्चे परेशान होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स को करके, फिर एग्जाम के टाइम तक आपको वो टाइम, देखो फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑलमोस्ट, मतलब फॉर्म फिलअप जैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम के 20 दिन 25 दिन पहले तक आपका पूरा कोर्स खत्म होके आपका रिविजन चालू होना चाहिए, तब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हो,
ठीक है, तो 20 दिन 25 दिन पहले से आपका रिवीजन चलना चाहिए और रिवीजन के साथ मॉक चलना चाहिए। तो उस टाइम बच्चे नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, यही रीजन होता है कि वो बार बार फेल कर रहे होते हैं। और देख रहे हो दिन पर दिन हर साल वाई ग्रुप की कट ऑफ छलांग मार रही है कितनी, और इस बार तो देख ही रहे हो, इस बार जितनी कट ऑफ गई है पिछली बैच में उतने में सिलेक्शन हो गया उनका। तो थोड़ा सा जान लगाओ इस बार और ज़्यादा, ठीक है? बच्चे बढ़ेंगे तो भाई कट ऑफ आई जाएगी, और जो भी चीज़ें समझदार हो आप समझ रहे हो। अब आ जाओ हम लोग इंग्लिश के सिलेबस में जाते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। गर्ल्स की भी कट ऑफ इस बार देख रहे हो, जैसे जैसे गर्ल्स बढ़ेंगी भाई गर्ल्स की भी कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है? तो आप पढ़ो कहीं से ना कहीं से, पढ़ाई शुरू कर दो। तो इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछा जाता है मैं बता दूँ। पहली बात अगर हम बात कर लेते हैं, हम वो कैब से स्टार्ट करते हैं, अभी साइड में रखो ग्रामर को, हम वो कैब से बात कर ले। तो मिनिमम देखो, मिनिमम मैं लेके चलता हूँ, दो सिनोनिम पूछते हैं बोलो, दो एंटोनियम पूछते हैं, एक इडियम पूछेंगे, एक वन वर्ड पूछेंगे, ठीक है, और एक स्पेलिंग मिस्टेक पूछते हैं, ठीक है? अगर मान लो अगर दो सिनोनिम्स ना भी पूछें, सिनोनिम्स तो दो ही पूछेंगे, क्यों मैं बताता हूँ किस तरीके से दो पूछेंगे। एक तो डायरेक्टली पैसेज वाला सिनोनिम पूछते हैं, पैसेज में रहता है, और एक अलग सा सिनोनिम। एंटोनिम आप एक मांग के चल लो, एंटोनिम दो कभी कभार पूछते हैं, किसी किसी शिफ्ट में किसी में एक पूछते हैं। तो आप मिनिमम जो लेके चलोगे ना, आप देख लो, पांच वो कैब लेके चलो, पांच जो 20 में 5 नंबर के जो सवाल होते हैं वो वोकैबलरी के होते हैं। हमने ये सब चीज़ों को ले लिया, कंफ्यूज जो है ना वो स्पेलिंग टेस्ट के अंदर ही ले लेते हैं उसको लोग। तो मिनिमम 5 वर्ड्स आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो 20 में से 5 नंबर जो होते हैं, लगभग 25% जो हो गया, 25% रोल जो होता है आपका वोकैब का होता है। तो वोकैबलरी को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, और हम पेड बैचेज में वोकैबलरी भी क्लासेस कराएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो वोकैबलरी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते भैया, और इस बार तो हमारी पीडीएफ से देख रहे होगे दबा के वो क्या भारी थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, 4 सवाल आते हैं आपके यहाँ से, ठीक है? 4 सवाल तो यहाँ से आ जाते हैं आपका, कहाँ से? तो कॉम्प्रिहेंशन से, जिसको हम पैसेज कह रहे होते हैं। और एक सवाल देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है पी क्यू आर एस, जिसको हम जंबल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? पी क्यू आर एस मैं आपकी भाषा में लिख रहा हूँ, पी क्यू आर एस। तो मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी के फॉर्म में कुल मिला के 5 चीजें, एक तो डायरेक्टली 4 सवाल पैसेज से, और एक पी क्यू आर एस जिसको कहते हो जंबल सेंटेंस, वो भी कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही जान लगाना होता है। तो कुल मिला के 5 चीजें, तो 20 में 5 देखो 10 ये चीज आ रही है, वोकैबलरी और पैसेज। तो पैसेज के लिए अलग से कोई रूल्स नहीं होता है, पी क्यू आर एस की रूल्स होती है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई थी वैसे तो पिछली बार, लेकिन फिर से हम लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बताई, तो पी क्यू आर एस। तो अगर थोड़ी बहुत हमारी वोकैब अच्छी हो और कुछ मतलब हमको पैसेज बनाने आ जाए, तो हम 10 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। तो 20 में 10 नंबर हमारा तो यहीं से हमारा मिल जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग ग्रामर के रूल्स पे आते हैं, हमारे ग्रामर्स में कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मिनिमम 2 कॉमा नीडर अगर हम लेके चले, तो मिनिमम 2 कॉमा नीडर्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखो 3 से 4 भी पूछे जाते हैं, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स 3 मान के चल लो। इसमें से एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 सवाल आता है, मतलब वॉइस से 1 सवाल, नरेशन से 1 सवाल, ठीक है? और वहीं पे प्रिपोजिशन से 2 सवाल तो मिनिमम पूछ ही लेते हैं, ठीक है? तो प्रिपोजिशन से आपका मिनिमम 2 सवाल हो जाता है, और 1 सवाल कहीं से भी दिया जा सकता है, जस्ट लाइक कि एडवर्ब एडजेक्टिव फॉर्म पूछा जाता है, एडवर्ब का या फिर एडजेक्टिव का कोई एक फॉर्म पूछा जाता है। तो कुल मिला के आपके हो जाते हैं 20 सवाल, ठीक है? तो अब यहाँ से देख लो, कॉमा नीडर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वो तो मैं चुटकी में बता दूँ तो आ जाता है, ठीक है? मिनिमम 2 कॉमा नीडर। और फिल इन द ब्लैंक्स किस बेसिस पे आती हैं, तो ये जो आती हैं वो मेनली देखो, प्रिपोजिशन तो अलग से पूछा ही जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स कहीं ना कहीं ग्रामर के रूल से ही पूछा जाता है, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता है। या तो फिल इन द ब्लैंक्स में वो वर्ब पे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दें, या तो प्रिपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दें, या फिर आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं। तो मेनली ये 3 चैप्टर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो ये भी ग्रामर का हिस्सा ही है, प्रिपोजिशंस भी ग्रामर है, एक्टिव वॉइस नरेशन जो भी है ना, वॉइस भी एक्टिव पैसिव जो है आपका वॉइस भी ग्रामर है, नरेशन भी। तो कुल मिला के देख लो आपका 10 सवाल ग्रामर से आ रहा है, एडजेक्टिव एडवर्ब भी जो है वो आपका ग्रामर से ही है। तो ग्रामर्स का ओवरऑल जो रूल है ना, कहते हैं कॉमन ईयर तो आ ही नहीं रहा, 2 ही आ रहा है, अरे भाई तो ग्रामर काहे पढ़े ऐसा कहते हैं भाई, खाली कॉमन ईडर ही ना आपका ग्रामर नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हो कि कॉमन ईडर ही खाली ग्रामर का पार्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो प्रिपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, एडजेक्टिव एडवर्ब का जो फॉर्म है, वो सब कहीं ना कहीं ग्रामर्स के रूल ही है। तो
तो 50% जो होती है ग्रामर रोल प्ले कर रही होती है, और 50% जो है 10 नंबर में आपका वोकैब प्लस में आरसी रोल प्ले कर रही है। आरसी का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि ग्रामर्स के तो उतना बेस्ट में नहीं है, आपको जो बेस्ट में है वो वोकैब के आधारित होता है। वोकैब अच्छा होता है तो वो कहते हैं अच्छा से कर लेते हैं आरसी। तो ये आपका इंग्लिश, और इंग्लिश प्रिपरेशन में मेरे हिसाब से एयरफोर्स के लिए 3 मंथ भी काफ़ी है, बिकॉज हम 2 महीने में ग्रामर ग्रामर तो देखो, अगर हम बहुत अगर स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहें ना, तो हम लोग वॉइस नरेशन को अगर हम चाहें तो 3 से 4 दिन के अंदर नरेशन और वॉइस को पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बशर्ते कि बार बार उसका रिविज़न करना होगा, अदरवाइज रूल हम भूल जाएंगे। बाकी प्रीपोजिशंस में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है, 1 मंथ पहले प्रीपोजिशन पढ़ो और उसकी रेगुलर बेसिस पर रिविज़न करते रहो, बिकॉज ये इतना बड़ा चैप्टर है कि प्रीपोजिशन इतनी जल्दी याद नहीं होता। फिक्स प्रीपोजिशन और भी बहुत सारे ट्रिकी प्रीपोजिशन होते हैं जिनको हम लोग बार बार रिविजन करके याद करना होता, तो 1 महीना ऑलमोस्ट ले लो, ठीक है। इसके साथ साथ में हम अदर न्यू चैप्टर्स को पढ़ते जाते हैं और प्रीपोजिशंस को बार बार रिविजन करते जाते हैं। बाकी जो ग्रामर्स के तो रूल ही मेन मेन, कॉमन रीडर के जो 2 सवाल होते हैं उसके रूल ही कितने, मैं हर साल 50-52 रूल्स लेके आता हूँ, वहीं से फंस जाते हैं क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में वही सारे ग्रामर के पूरे रूल अप्लाई हो जाते हैं, वर्ब आर्टिकल और प्रीपोजिशन को बढ़िया से पढ़ाओगे तो ये सब चीज़ें बन जाएगा। तो ये आपका रह गया इंग्लिश की सिलेबस, ठीक है। वहीं पे रागा के अंदर क्या होता है, मैं एक्स ग्रुप के बारे में ही बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। इंग्लिश तो मैंने सबके लिए बता दिया, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। अब वहीं पे वाई ग्रुप में रागा के लिए देख लो, आपके जो रीजनिंग होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल के टोटल 10 सवाल होते हैं, नॉन वर्बल जो फोटो वाले होते हैं वो 5 सवाल होते हैं, तो कुल मिला के 15 हो गए यहाँ, और पूरे चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और रीजनिंग तैयार करना हमारे हिसाब से ना 25 दिन काफ़ी होता है रीजनिंग। रीजनिंग इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बशर्ते कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। नॉन वर्बल तो 1 साल भी कम पड़ जाए अगर सवाल एग्जाम में कुछ अटपटा आ जाए तो। तो मैं बोल रहा हूँ कि एट द टाइम लिमिट टाइम के अंदर टीचर को भी बैठा दो नॉन वर्बल के लिए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 5 में 5 सही कर ले। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर टीचर को भी बैठा दो उस प्रेशर में कि आपको लिमिट टाइम के अंदर 5 में 5 नॉन वर्बल सही करने हैं सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 5 में 5 सही कर ले। वो बात अलग है कि एग्जाम के बाद उसके माइंड में आ जाएगा अच्छा अच्छा हाँ ये आंसर होगा, लेकिन प्रेशर में एक्चुअली जल्दी जल्दी में वो जो सही जो उसका रूल है हम हो सकता है कभी कभार फॉलो ना कर पाए, तो मिनिमम 3 से 4 नॉन वर्बल को हम टारगेट करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। वर्बल 10 में 10 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नॉन वर्बल हम यहाँ से 3 स्कोर करना इजी है, 2 ही हमको अटकाता है। और इंग्लिश में मैं बोल दूँ आपके 18 मार्क्स लाना इजी होते हैं इंग्लिश में, और रीजनिंग में 13 नंबर खुद से यहाँ ऐड कर दे जाओ। मैथ में अगर 7 सवाल पूछे तो 7 के 7 जो है बहुत आसान है, तो यहाँ पे देखो 7 तो नहीं 8 सवाल पूछे जाते हैं, 7 सवाल जीके के पूछे जाते हैं, तो मान लेते 8 में हम 7 भी सही कर लें, बहुत इजी चीज़ है भाई। मैं बोल रहा हूँ मैथ बहुत इजी चीज़ है, बशर्ते कि पढ़ा आपने बढ़िया से हो तो मैथ में 7 नंबर करना, और जीके में मैं बोलता हूँ 3 से 4 नंबर भी अगर आप सही कर लेते हो जीके में 7 में तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप 42 मार्क्स तक स्कोर कर पाना, एक मैं बोल रहा हूँ एवरेज से जो थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा करेगा उसकी हो जाएगी 42 रॉ स्कोर बिना नॉर्मलाइजेशन के। मैं बोल रहा हूँ जो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेगा वो 42 स्कोर तक वाई ग्रुप में कर सकता है, मैटर नहीं करता वो लड़का है कि लड़की, लड़की के लिए भी सिलेबस वही है, लड़का के लिए भी सिलेबस वही है, लड़की के पास भी दिमाग है लड़के के पास भी दिमाग है, तुम्हारे पास भी 2 आँखें हैं उसके पास भी 2 आँखें, तुम्हारे पास भी 2 हाथ उसके पास भी 2 हाथ, उसके पास उसका फॉर्म फिलअप भी सेम डेट को, तुम्हारा फॉर्म फिलअप भी सेम डेट को, उसका भी एग्जाम सेम डेट को, तुम्हारा भी एग्जाम सेम डेट, फिर कट ऑफ पे कहाँ जाते हो भाई तुम लोग, लड़की हो चाहे लड़के, मेरे को समझ में नहीं आता कि लड़की का कट ऑफ कम जाएगा, तुम कहाँ से सब भ्रम दिमाग में आप लोग पाल रखते हो, लड़का लड़के क्या होता है, तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कि जितना हाई से हाई स्कोर कर लो, ठीक है अभी के टाइम पे। तो कट ऑफ वट ऑफ की जो गेम है ना साइड कर दो एकदम, बिल्कुल भी कुछ नहीं, एकदम वाहियात चीज़ होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम आपको टारगेट करना कि 42 तो किसी भी हाल में स्कोर करना, और इसमें प्लस जितना कर लो, प्लस जितना हो जाए, करने वाले कर रहे हैं ना, इसी बार देख लो किसी का 45 आ रखा था, किसी का 46 आ रहा था, हाँ तो वो किसी किसी का नॉर्मलाइज भी था, लेकिन 42 स्कोर करने वाले रॉ बिना नॉर्मलाइजेशन के भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इतना मैं हर साल कहता हूँ कि मिनिमम आप 40+ स्कोर करो और 42 कर लो मिनिमम तो और सही, अब नॉर्मलाइज करके जितना भी चला जाए, ठीक है। तो इतना का टारगेट करो। अगर मैं एक्स ग्रुप के बारे में कह लो, उसको साइंस सब्जेक्ट कहते हैं, तो मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं बस सिलेबस दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं एक्स ग्रुप को नहीं पढ़ाता हूँ, एक्स ग्रुप का खाली इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, फिजिक्स एंड मैथ में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं वाई ग्रुप को पढ़ाता हूँ, और ये जो हमारी बैच है वो भी आपका कंप्लीट जो है अदर देन साइंस के लिए वाई ग्रुप के लिए ही है,
हम इंग्लिश की बैच अलग से ला देंगे, अगर जो बच्चा एक्स ग्रुप से पढ़ना चाहता है वो हमसे इंग्लिश पढ़ के जा सकता है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 20 में 18 उसके सही कैसे भी हो जाएंगे, वो जान लगा रहेगा तो 20 में 20 भी कर सकता है, तो 18 तो कैसे भी सही हो जाते हैं, करने वाले हमारे बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जो सिलेबस है मैथ एंड फिजिक्स का आप एक बार देख लो, यहाँ से इन सभी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 2015 में 12th क्लास दिया था, साइंस से ही था, बट उसके बाद मैंने ना तो पलट के कभी फिजिक्स देखा, ना तो पलट के मैंने 12th का कभी मैथ देखा। तो देख लो 2015 कहाँ, 2023 कहाँ, इतने साल के बीच में ना तुम कुछ भी छोड़ दो भूल ही जाने वाले हो। ठीक है ना, तो सिलेबस आप देखो, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो, 12th वाली चीज़ों को आप रिविजन करो और प्रैक्टिस करो। बाकी मिलते हैं खड़ो में, तब तक बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले मैं बोल दूं कि 15 तारीख से पहले पेड बैचेस में ज्वाइन हो जाओ, बहुत ही हेल्पफुल बैच होगा वाई ग्रुप के लिए। चलो बाय बाय।